19 जुलाई से 22 जुलाई तक आईसीसी की एजीएम होनी है, जो जनरल मीटिंग होनी है, बहुत बड़ी एक मीटिंग होनी है। क्या वहां पर स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स को फुल मेंबरशिप दे दी जाएगी? ये सवाल हमसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अगर हम रिसेंटली की बात करें, पिछले एक हफ्ते में लगातार ये सवाल हमारे सामने आते रहे। चलिए इसके बारे में आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या स्कॉटलैंड और नीदरलैंड, या फिर सबसे करीब यही है जी जब हाँ भी जी फिल्म में से अनाउंस होगा, क्या स्कॉटलैंड नीदरलैंड को आईसीसी जो है नया फुल मेंबर कहीं ना कहीं अनाउंस करने वाला है अभी इस 19 से 22 तारीख के बीच में? नहीं, देखिए देखिए, अभी अगर हम बात करें, अभी फिलहाल जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें उम्मीद तो बहुत कम है, उम्मीद बहुत ही कम है, और बिल्कुल ही चांस नहीं है, ना के बराबर चांस है कि इनको अभी फुल मेंबर की मोहर इन पर लग जाए, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड पर। इसके होने के जो उम्मीद है वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें जो बिग थ्री हैं वो डिसीजन जब लेंगे, क्योंकि जो बाकी बोर्ड्स हैं फुल मेंबर्स के वो उन्हें ही फॉलो करते हैं जी बिग थ्री को, यानी कि ईसीबी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के जो बोर्ड हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। बाकी के फुल मेंबर जैसा ये कहेंगे वैसा ही लॉज या रूल्स या फुल मेंबर जिसे भी दिया जाएगा, तो वैसे ही बिग थ्री जब आईसीसी को कहेंगे, और खासकर जब बीसीसीआई मानेगा, और खासकर तब ये कि डिडक्शन के लिए मानेगा, यानी जी जो उन्हें मिलता है आईसीसी से 35% बीसीसीआई रखता है, फिर 25 या 23% क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रखता है, फिर ईसीबी रखता है, तो ऐसे करके एनुअल शेयर जो रखते हैं वो उससे डिडक्शन करेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि वो उससे डिडक्शन करें अपने पैसों में से, इसकी भी उम्मीद बहुत ही कम है। तो फुल मेंबर होना, अभी कोई नया बनना इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में आने वाले एक साल के अंदर होना क्या मुमकिन है? नहीं, ऐसा होता हुआ तो लगता है। 1 साल छोड़िए आप, इस सवाल का जवाब हम बहुत बार दे भी चुके हैं कमेंट्स के जरिए, हमारे वीडियोस के जरिए। 2027 में भी हमसे पूछा गया कि 2027 में किसी को फॉलोशिप मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं या क्लियर लगता है 2027 में भी नहीं मिलने वाला। 2031 तक इंतजार करिए, तब शायद 2031 में भी शायद यहाँ शायद लगे, होगा, उससे ऊपर ही 2031 में जाएगा, भी शायद हमें कोई फुल मेंबर अनाउंस होता हुआ नजर आए, उससे ऊपर ही जाएगा। 2035 भी बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन 2027 भी बिल्कुल नहीं। निश्चिंत रहिए, 2027 में भी किसी को फुल मेंबरशिप नहीं मिलने वाली, इतनी जल्दी फुल मेंबरशिप नहीं मिलने वाली। और अब जिस तरीके का बिजनेस ऑफ जी मॉडर्न हाँ क्रिकेट हो चला बिल्कुल, है, इतनी आसानी से कोई पैसे अपने हाथ से जाने देने वाला है नहीं। और जैसे आपको पता है प्राइवेट कंपनीज का आईसीसी, भी, जी हाँ, आईसीसी के पास अब कुछ उनके पास अरे ऐसे हाथ रह नहीं गए। उनके जो 10 उंगलियां और 2 हाथ है वो इतने कमजोर है कि वो एक नई फुल मेंबर भी अनाउंस नहीं कर सकती अपने ऑर्डर को पास कर कर। बिल्कुल नहीं, उन्हें भी अपने आकाओं से, बिग थ्री से या बीसीसीआई से, इन लोगों से परमिशन लेकर, इस बड़े बड़े रूल्स जो है वो इतने परमिशन लेकर ही आगे आगे जो है फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। खुद को उन्होंने बना ही ऐसा लिया है कि अरे इतनी क्या इतनी बूट लीगिंग और इतने ज्यादा हाँ डिपेंडेबल वो हो गए इन बोर्ड्स पे अर्निंग को लेकर कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता कि उन्हें उनकी सुननी पड़ती। इतना दबाव वो अब अपने ऊपर ले चुके नहीं, हैं। जी हाँ एक चीज जरूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जरूर एक एक सवाल जरूर है, और लोग जरूर जी हमारे हाँ जी जो व्यूअर्स हैं वो भी जरूर जानना चाहेंगे कि स्कॉटलैंड और नीदरलैंड दोनों को ही साथ फुल मेंबरशिप दे दिया जाएगा, या उसमें कुछ पेच कुछ और भी है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये चीज तो जरूर है कि ये भी कंफर्म नहीं है कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड को एक साथ ही फुल मेंबरशिप दी जाएगी। क्या पता यहाँ पर कोई तीसरा बोर्ड सेंध लगा रहा हो। और इस चीज के बारे में हम पहले भी बहुत बार व्यूअर्स को बता भी चुके हैं कमेंट्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू भी, कि जरूरी नहीं कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड दोनों को एक साथ मिले। शायद हमें देखने को मिले कि स्कॉटलैंड और यूएई को मिल जाए, या जरूर नीदरलैंड और यूएई को मिल जाए, या जरूर किसी एक को ही मिले। जब भी मिलेगा 2031 हमें लगता है मिनिमम, बिल्कुल तो बिल्कुल शायद तब जाकर कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्कॉटलैंड और नीदरलैंड दोनों को एक साथ मिलेगा, और इसकी गुंजाइश बहुत कम भी है। यहाँ पर यूएई जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश कर भी रहा है लगातार, और वो बिल्कुल करके ही छोड़ेगा जितना हमें कहीं ना कहीं लगता है। बाकी एट द एंड बिग थ्री और आईसीसी डिपेंड करेगा। लेकिन जी हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि दोनों को एक साथ मिले। स्कॉटलैंड यूएई भी हो सकता है, नीदरलैंड यूएई भी हो सकता है, या शायद नीदरलैंड हो, या शायद स्कॉटलैंड हो, या क्या पता सिर्फ यूएई हो। कमाल, क्यों सिर्फ यूएई तो नहीं होगा, बहुत जबरदस्त तरीके का एक विवाद हो जाएगा। तो एक किसी एक नीदरलैंड स्कॉटलैंड किसी एक को देकर फिर यूएई को देकर शायद ऐसे अगर दो अनाउंस करने होंगे तो ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन ये सवाल जो हमसे पूछ रहे थे उसके लिए जवाब बिल्कुल नहीं, 19 जुलाई को बिल्कुल भी कोई फुल मेंबरशिप अनाउंस नहीं होने वाली है। मिनिमम 2031 से पहले कोई फुल मेंबर हमें अनाउंस होता हुआ नजर नहीं आएगा, वो भी शायद। शायद फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंद रहे टेलीविजन के साथ, कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा, सारा दिन वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट्स वगैरह आने वाले हैं।